हल्की हल्की मंदम मंदम धूप निकल लग रही है, और आज धुंध भी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्मोक जिसे कहते हैं वो हो रही है। और मंजे मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी हैं, तो पानी वगैरह मुनीब के पापा ने छिड़क दिया था, तो अब सफाई वगैरह करती हूँ अच्छी तरह। आधी सफाई मैंने कर रखी है, अभी आधी अभी हो जा रही है। तो चलते हैं रुपया सर के पास, रुपया सर ये क्या काम करने लग रही है। कौवे को देखो जी, पता नहीं क्या खा रहा है। माशाल्लाह रुकिया सिस्टर के पास आ चुकी हूँ। रुकिया सिस्टर ने शौकत भाई को चाय वगैरह बना दी है, तो खाना खाने के बाद फिर उसके बाद फिर चाय वगैरह पीते हैं। तो भाई जन यहाँ पे अपने ये मेडिसिन वो लेने लग रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह कर लिया भाई जन आपने? अच्छा सही है, वॉक पर गए थे भाई जन? अच्छा आज वॉक करके गए? अच्छा वॉक करके फिर नाश्ता करते हो? अच्छा सही है, अच्छी बात है ना। फिर रात फिर अंदर कमरे में धुआं करते मच्छर तो नहीं काटे थे? ना, 3 किलो का। अच्छा सही है। और सुनो आपकी एलर्जी ठीक हुई है? हाँ जी फिलहाल तो ठीक है, बस दिन का अब देखो अच्छा। हाँ क्योंकि कल डॉक्टर के पास गई थी रुकिया सिस्टर, डॉक्टर गुदारे के पास नहीं मुनीर के गुदारे के पास गई थी, नहीं आराम बाजू के धापड़ से बन जाए। हाँ ठीक है, मैंने कहा नहीं आप दवाई लो, इंशाल्लाह आपको यहीं से आराम आ जाएगा। बस अल्लाह करे दोबारा ना आइए, इंशाल्लाह नहीं होएगी। नहीं 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 से नहीं बीमारी निकलती आ रही भी समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना एक बीमारी लगती है और कई बीमारियां निकल जाती हैं। बस बाकी अभी सफाई वगैरह भी आपकी भी रह रही है, बर्तन वगैरह भी रह रहे हैं। लाइट का तो कोई अता पता ही नहीं है, पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। मीटर वगैरह सही होंगे तो फिर जाके आएगी, मीटर नए लगेंगे फिर। क्योंकि 3 दिन हो गए आज लगा लाइट नहीं है। हम भी जाते हैं भाई शाम के टाइम भाई के घर जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके चार्जिंग करते हैं, फिर जाके मोबाइल चार्जिंग। परेशान है, सही बात है, तो है ही परेशानी वाली बात। 6-7 मिनट हाँ जी खा जाए, सही बात है, मच्छर हैं। फिर आपको पता है कीड़े मकोड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, ऐसे में तो सांप बिच्छू बाहर निकलते हैं, फिर हमें ये नहीं कि देख देख के पाँव रखना पड़ता है भाई, क्योंकि फिर हमारे इलाके में ना ये फिर इलाका भी सांपों वाला है ना ये। सही है, बस अल्लाह ताला रहम करे। बस ये है बंदा रात कर टाइम से बच्चों को खाना वगैरह खिला के टाइम से बस मंजी बंदा लिखा। सही है ठीक है, बाकी अल्लाह ताला रहम करें करम करें। चलो फिर ठीक है, आप चाय वगैरह पी लो, मेरे भी सहन की झाड़ू जा रही है, मैं मुकम्मल कर लेती हूँ अपने। फिर अम्मी जी के पास जाना भाई जन जी, तुड़ी लेने जाना। अच्छा लेने जाना। अच्छा अम्मी जी को ना फिर दूध देना। हाँ हाँ सही है, चलो अम्मी पी लेगी चाय वगैरह पी लेगी, तभी तो भाई पता करी है ना अम्मी के जी, क्योंकि एक साइकिल मोटर है ना दो होती है ना। चल फिर हम भी साथ जाते हैं, फिर मैंने कहा चल अम्मी की तबियत का पूछ आते जाके, ऐसे दुआ सलाम हमारा दे देना, तबीयत का पूछ लेना। माशाल्लाह जी घर का हमने सारा घर का काम वगैरह कर लिया है, और देख सकते हैं स्मोक कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और सूरज भी मंदम मंदम निकलने लग रहा है, और साइड पे देख सकते हैं साग लग रहा है, वो तोड़ तक वहाँ पर साग लग रहा है, और ये गोभी लग रही है, उस साइड पे आलू लग रहे हैं, और इस साइड पे भी आलू लग रही हैं। डॉगी भी आराम से नीचे लेट गया, ठंडी ठंडी जगह मिली उसे, और सामने ही विलेज में टूबल चलने लग रहा है। माशाल्लाह जी हर जगह जहाँ भी आपकी निगाह जाती है भाई, सब जगह है माशाल्लाह से। कुछ दिन में ना आलू बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ये भी साग खड़ा है, तो और लैन सिर साग ही साग खड़ा है वहाँ पे, क्योंकि गोभी के अंदर साग वगैरह लगता है, अभी बहुत छोटा है, जैसे ही बड़ा होएगा फिर इंशाल्लाह फिर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। तो इनाम को मैंने यहाँ सुला दिया मजे से, यहाँ पे ठंडी ठंडी पंखे की हवा लग रही है, और मजे से ना इनाम सो गया है, क्योंकि आपको पता है ना भाई लाइट का हमारे घर में मसला हो रहा है, तो रात को और मच्छरों में बच्चा जहरीला होता है, फिर नींद नहीं यानी कि पूरी होती जी। तो मैं आई थी भाभी जान की तरफ अपना यानी कि चार्जिंग वगैरह लगवाने के लिए, तो माशाल्लाह चार्जिंग फुल होगी। अब हम जाने लग रहे हैं घर, भाई को भी काम है, भाई ने भी जाना है घर, तो मैंने कहा चलो फिर मुझे भी साथ ले जाओ। आपने चलना? नहीं वो मैं घर रहूँ, गुजारा सो रही है दवाई खा के। अच्छा। क्योंकि वो आपके भाई ने ना वो भाई शौकत को उठाना मतलब साथ साथ लेके आना है, तो वो जमीन पे जाना है ना, वो फीता वगैरह वो करना है, एरे वगैरह वो क्या कहते हैं थोड़ा सा करवाना है ना। हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए फीता वगैरह वो पकड़ लेंगे ना भाई शौकत, तो चलो थोड़ा बहुत ना
भाई की तबीयत में भी सुधार आ जाएगा, साथ साथ रहेंगे ना, खुशहाल होंगे। फिर तरह सा ना माहौल का भी थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। भाई ने मुझे लगा बाइक तैयार कर ली है, 11 बजे जल्दी में चलते हैं। चलो फिर ठीक है, आप जाओ देव जाके भाई। यानी घर की तरफ से मैं आ चुकी हूँ, तो भाई ने कहा मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, आप बंद तक चलो, फिर मैं इतने आ जाता हूँ पेट्रोल डलवा के। और माशाल्लाह जैसे इतने जानवर, हर किसी के ना जानवर ना बाहर बंदे होते हैं, कोई यानी घास वगैरह खा रहा, कोई बंदे में है। तो बच्चों को भी छुट्टी होने वाले, बच्चे भी आने लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से घर मैं पहुँच गई हूँ, और मुनीफ के पापा गए थे अम्मी जान के पास, गए थे तोड़ी वगैरह ले आए हैं। और जो हमने ये काले पौधे वगैरह लगाए थे, माशाल्लाह ये पौधे बिल्कुल सही खड़े हैं। ये बस बबरी थोड़ी सूखने लग रही है, ये इंशाल्लाह जब दोबारा फिर से अच्छे तरह पानी वगैरह मिलेगा, फिर इंशाल्लाह ये दोबारा हो जाएगी। और यहाँ पे जी इसको भी हमने चारा डाल दिया, ये भी खाने लग रहा है, बर्तन वगैरह मैंने वहाँ पे धो के। और छोटा सा फूल देखते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा से निकलने लग रहा है। ये लगाया था मैंने इसे बोतल में लगाया था डब्बे में, तो माशाल्लाह रोज़ एक आधा ना लाजमी फूल निकल जाता है। और माशाल्लाह ये भी इसे भी चारा वगैरह डाल दिया, ये भी माशाल्लाह खाने लग रही है। उधर हमने उससे छोटे बच्चों को भी डाल दिया, वो भी खाने लग रहा है। शोकत भैया ने कल गड्डी वगैरह धो दी, बिल्कुल साफ सुथरी खड़ी है। भैया ने भी अपने बर्तन वगैरह धो दिए, सारे सहन की सफाई वगैरह कर ली अच्छी तरह। अब नलके में है मैं, ये लग रहा कपड़े वगैरह धोने लग रही हैं, कपड़े मुझे लग रहा काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे होंगे, लगी पड़ी कपड़ों में। माशाल्लाह कपड़े तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं यार। एक्स्ट्रा हाँ जी, बस सर्फ नहीं था इसलिए बस फिर आज मंगवाए थे पापा से। अच्छा, हाथ में धो देते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं ज़्यादा। हाँ जी, पहनते हैं हाथ से धोते हैं, फिर एक गंदे हो जाते हैं। गंदे हो जाते हैं क्योंकि मशीन हम लगा नहीं सकते, हमारा फिर वो लाइट का मसला हो जाता है मशीन में, तो ये सारे कपड़े एक ही चक्कर में सारे धुल जाते हैं। सही है। ये सर अभी देखो छोटा सा मंगवाया, ये बस 2-3 सूट हैं, बस हाँ ये दो बच्चों के हैं, दो छोटों के हैं, दो बेटी भैया के हैं। सही है, बस इतने ठीक है। चलो आप भी धो लो फिर, मैंने भी कल सर्फ मंगाया था, कुछ कल धोए थे कपड़े, कुछ फिर मैंने कहा मैं आज धो लूँगी थोड़े थोड़े करके। चलो हाँ, साथ साथ धुलते रहेंगे ना कपड़े, ख़त्म हो जाएंगे। सही है भैया, यही है और कपड़े फिलहाल तो बस आज के इतने धो रही है ना। अच्छा, बस रोज़ थोड़ा थोड़ा सा करके, एक दो हाथ के हो रहे हैं। अच्छा चलो ठीक, क्योंकि आज धूप भी ज़रा मंदम निकली हुई है इतनी, और खास तेज नहीं निकली हुई जी। मैंने कहा धूप भी काफ़ी हल्की मंदम निकली हुई है ना, धुंध धुंध से जिस तरह होया ना ऐसे है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, रुकिया सिस्टर ने सारे अपने कपड़े बच्चों के सारे धो लिए, वर्दियाँ वगैरह भी जो कपड़े वगैरह थे सारे धो लिए। और ये बंदर जी मुझे लग रहा है शाम की रेसिपी की तैयारी करने लग रही है। माशाल्लाह जी यहाँ पे बेसन घोला जा रहा है। माशाल्लाह जी, पकौड़े बना गए या उल्टे पलटे? नहीं पकौड़े सालन बना, सालन सालन अल्टे पलटे। अच्छा अल्टे पलटे, मैं समझी भाई इसका आप सालन बनाओगे? नहीं सालन बनाऊंगी अल्टे पलटे। हाँ जी हाँ, अब समझ आई है। सही है, पकौड़ों का नहीं, पकौड़ों का टाइम है, बन सकते हैं पकौड़े, फुलकियाँ बन जाए, बना ले बंदा सालन बन जाए, तो मजे का। चलो ठीक है, आप अच्छी तरह घोल लो, मुझे लग रहा है भाई और भी आ गए हैं, मसाला ज़्यादा डालने लग रहा। नमक खत्म हो रहा है? हाँ जी, नमक डालते हैं, मसाले खत्म हो रहे थे। सर मैं ला के देती हूँ। नहीं बस हो गया, बस इसे फैन के रख दूँगा ना, फिर अभी थोड़ी देर में। माशाल्लाह रुकिए सिस्टर ने बेसन वगैरह घोल लिए वहाँ पे, रादा हो चुका है चेंज। भाई शौकत भाई ने कहा आपने अब अल्टे पलटे नहीं बनाने, फुलकियाँ बनानी है। हाँ जैसा भाजन का दिल करता है ना, फिर वैसी चीज़ बना देना, ताकि ना रोटी है ना शोरबे से ना आराम से खाई जाती, चूर के बंदा खा लेते हैं ना आराम से खा लेता है। सही हाँ जी, नरम भी है और सही रोटी फिर माशाल्लाह खाई जाएगी। बेसन की चीज़ होती है तो वैसे भी शुगर कंट्रोल रखती है। हाँ जी बेसन की चीज़ें, अच्छा हाँ बेसन हो गया, चने हो गए, इस तरह की चीज़ें ना भाजन के लिए ना बहुत माशाल्लाह फ़ायदेमंद है। अब माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा है कि अब भाजन का ना दाना है ना काफ़ी बेहतर हो रहा है माशाल्लाह जी। हाँ जी माशाल्लाह जी, अल्लाह मियाँ भाई इनाम भी रो पड़ा, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बस अब इनकी ना खुदड़ू खुदड़ू मजा चहल मैट बस पूरे माशाल्लाह पूरे जिनके रहती है चहल मैट हुई भी है। कोई नहीं इंशाल्लाह दवाई खा रहे हैं ना, इंशाल्लाह मुल्तान की ना दवाई इंशाल्लाह भाई को रास आ जाएगी। कहते हैं ना भाई एक जगह से आराम नहीं आ रहा तो दूसरे शहर में जाके बंदा चेक करवाए, इंशाल्लाह किसी न किसी डॉक्टर की दवा चल लगी जाएगी,
होता है माशाल्लाह। शुगर भी काफ़ी कंट्रोल है, वॉक पे जा रहे हैं माशाल्लाह टाइम से। रात को भी हम खाना वगैरह खा के काफ़ी दूर तक जाते हैं। सही है, हमारी पुली तक है ना, यहाँ तक जाते हैं। सही अच्छी बात है ना। चलो आपकी भी वॉक ऑर्डर करेगी और भाईजन के भी वॉक ऑर्डर करेगी। भाईजन को तो वैसे बताई है वॉक डॉक्टर ने। हाँ जी, शुगर है ना। सही है, चलो फिर ठीक है। अब ये धनिया, ये लहसुन वगैरह छील लो, प्याज तो आपने काट के रख दिए, और टमाटर वगैरह नहीं है? टमाटर मैं भी काट लूँगी। अच्छा सही, चम्मच मुझे छोटा लेना पड़ेगा, चम्मच मैंने बड़ा ले लिया। कोई बात नहीं, छोटा ला दूं फिर मैं आपको। चमची से सही अंदाजा आ जाएगा, बस वो जैसे मैंने बेसन घोला था बस याद नहीं रहा मेरा। अच्छा अच्छा, अब एक चम्मच मंगवा लेती हूँ, एक पूड़ डाल देती पहले। ठीक है, हाँ ये पहले पूड़ डाल दूँ, इसकी बन जाएगी ना पहले। फिर हाँ जी, साथ इसके पापा ने कहा कि आपने बनाना है, पहले ज़्यादा तलते बन लो का। हाँ जी हाँ जी, फिर मैंने कहा फुलकिया बना लो, मैंने कहा चलो जो आपका लिए करो। सही, हाँ जो भी यानी कि भाई चीज़ अच्छी लगा ना वो चीज़ बनानी चाहिए। सही है, तो मसाला वगैरह आपने सारा बना के रख लिया? मसाला वगैरह मैंने इसमें बना लिया सारा। अच्छा सही है, हाँ यहाँ पे सारा सामान वगैरह भी ला के रखा हुआ है। अभी ना आँच ना हल्की है रुपया सिस्टर। अबू जी हमारे होते थे ना जन्नत में, फिक्र अल्लाह ताला जन्नत में जगह है हमारे वालिद को, तो वो कहते हैं घी गर्म होता है ना फिर डालो फुल घी गर्म, यूँ एक घी भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता और दूसरी बात है चीज़ भी यानी ना। हाँ जी, जो हल्की आँच होती है ना तो वो घी भी यानी कि जल्दी पीता है, जल्दी पीता है, बेसन है ना ज़्यादा घी पीता है। हाँ जी चलो कोई बात नहीं। हाँ जी उन्हें ज़्यादा पता था, आजकल की जड़ी नवी पीढ़ी चल रही है ना उन्हें बस अभी किसी चीज़ का पता भी नहीं है। सही है, हाँ जी आ ही जाएगी। सही है, चलो ठीक है। आप ये रुकिया सिस्टर, आप पकौड़े वगैरह बना लो, उधर मैंने दाल रखनी कुकर में, दाल रखती हूँ फटाफट, क्योंकि आपको पता फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर लाइट का मसला हो रहा है ज़रा, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ जी कोई नहीं, अल्लाह ताला परेशानी भी ये भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा ना इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। अब हमारे पास में तो है नहीं जो हम यानी कि जाके कर लें जाके, ये तो वापडे वाले जाएंगे वो कुछ देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अल्लाह ताला बावड़े वालों को हिदायत आ दें, अल्लाह ये हमारी लाइट का जो मसला आ रहा है ये हल कर दें बस। वही तो कह रही एक की गलती पूरा यानी कि विलेज में परेशानी हो रही है, सब बेचारे परेशान हो रहे हैं बस। इसके बाद जो है थोड़ा सा ना शोरबा कर दूँगी इसमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा करूँगी क्योंकि ये पी जाती है शोरबा बाद में। आग मेरी बुझ चुकी है, चूल्हे से दूध वगैरह हमने चो लिया शौकत भाई ने, और मैं शौकत भाई के साथ लग जाती हूँ क्योंकि शौकत भाई भी कमज़ोरी हो रही है शौकत भाई के अंदर, तो इस वजह से ना ज़्यादा यानी कि अभी होने हम भी अपना आहिस्ता आहिस्ता जिनके हाथ यानी कि भाई सीधा करेंगे दूध चोने पे, ताकि फिर बाद में फिर हम भी जिस तरह इंसान की चला जाता है तो फिर एक इंसान ना हो तो दूसरा इंसान यानी कि दूध वगैरह निकाल लेता है। अब बछड़े ने माशाल्लाह दूध पी लिया, अभी से हटाती हूँ, ये देखो जी बश 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 ख़त्म हो गया दूध सारा। आ जाओ बस 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 उधर इधर 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 आओ इधर आ जाओ। अभी आपको थोड़ी सी वो खल मैंने भिगो के रखी हुई है ना वो डालती हूँ। आ जाओ। अच्छे बच्चे हो ना, आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे बांध दिया तो अभी इसे डालती हूँ ये चारा वगैरह जो गाँव के हम डालते हैं। ये लो ये आप ये खाओ, अब ये आपके लिए फ़ायदा मंद, ये खाओ शाबाश। ये ज़रा ना डालना ज़रा शौक से खा लेता है, इसे डाल देते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं करना क्योंकि बच्चा है ना, किसी ने अपनी माँ का दूध दिया इसलिए थोड़ा सा सर डाल लिया मैंने, बाकी ये बच्चा वगैरह गाय को डाल देती हूँ। गाय को मैंने चारा वगैरह डाल दिया और माशाल्लाह गाय रच चुकी है माशाल्लाह जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ पे जब कोई सिस्टर जी आटा गूंदने लग रही हैं, पत्रियाँ वगैरह ला के रख दी हैं, तो मैं अभी फटाफट आटा गूंद लेती हूँ। और बच्चे खुशखबरी बता रहे हैं मम्मा जी कहना लाइट ना सही करने लग रहे हैं, अल्लाह करे लाइट आ जाए। लाइट के बगैर गुजारा नहीं होता। हाँ जी लाइट के बगैर बच्चों को मच्छर खाते हैं बहुत ही ज़्यादा, सही बात है, अंधेरे में नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। हाँ जी, और इनाम का तो बेचारे का ना पूरे माथे मच्छर मटर लाल सुरख माथा होया बेचारे का,
कल हम लोग बाहर सोए थे, बच्चे इतने ही काट रहे थे, फिर रात हमने धुआं लगा के हाँ जी रात मतलब टाइम गुजारा। सही बात है, बस क्या कर रहे हैं, मजबूरी थी, बस अल्लाह करे बस लाइट आ जाए जान थोड़ी जाए, अंधेरे से धूप होया बड़ा अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आता। सही बात, सही है। चलो फिर आप टाइम से आटा गूंथ लेती हूं, हां जी बना लेते हैं, जब मैंने सालन रखा हुआ है चूल्हे पे, हां जी मैंने फटाफट आटा गूंथ लिया। सही है, चलो ठीक है, कल हमने टाइम से बना ली थी, आज जरा लेट हो गई मुझे, आज लेट हो गई, कल भाई फातिमा आए थे ना टाइम से बना ली। हां जी, और वीडियो भी माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मुर्गी ओ देख रही हैं भी आटा मिलेगा, हम खाएँगे।